Swayam Prabha, Digital India, Educated India. प्रभा में आप सबका स्वागत है आज कंपनी विधि के व्याख्यान नंबर पांच के बारे में डिस्कस करेंगे मैं डॉक्टर कैलाश कुमार कुर्मी विधि असिस्टेंट प्रोफेसर विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर चार में प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है क्या उसकी विशेषताएं हैं कितने प्रकार का प्रोस्पेक्टिस होता है प्रोस्पेक्टस कब जारी किया जा सकता है और स्टेटमेंट इंट्यू क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके महत्व के बारे में डिस्कस किया था और उसके विधिक प्रावधान और कुछ मामलों के बारे में प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था आज जो है शेयर और डिबेंचर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि व्याख्यान नंबर पाँच है इस व्याख्यान में निम्न विषयों को सम्मिलित किया गया है सबसे पहले जो है डिबेंचर का क्या अर्थ होता है डिबेंचर के क्या प्रकार हैं डिवेंचर की क्या विशेषताएं हैं डिबेंचर का क्या महत्व है या शेयर उनका क्या अर्थ है क्या उनकी विशेषताएं हैं क्या उनके प्रकार हैं शेयर जो है वो कब जारी किया जा सकता है और डिवेंचर और शेयर में क्या अंतर है इसके बारे में जो है आज इस व्याख्यान में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो है इसके परिचय के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिबेंचर और शेयर होते क्या हैं सबसे पहले जो है कि जब परस्पेक्टस जारी किया जाता है कोई भी कंपनी का तो परस्पेक्टस में शेयर और डेवेंचर जो हैं वो इनवाइट किए जाते हैं और ये जो है सबसे पहले जो है वो बाज़ार में लिस्टेड होते हैं लिस्टेड होने के बाद में जो है ये पब्लिक से सब्सक्राइब किए जाते हैं और पब्लिक जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो करती है अब इसका जो विस्तार है वो केवल मनी जुटाने के लिए है क्योंकि कंपनी के पास इतना वो नहीं होता मनी तो उसके लिए जो है वो सब्सक्राइब करती है और शेयर और डिबेंचर जो है वो इशू करती है जिसे पब्लिक जो है वो खरीदती है जैसे ही वो लिस्टेड हो जाते हैं और इसका जो है एक निश्चित जैसे किसी ने शेयर खरीदे हैं शेयर ख़रीदने के बाद में जो है उसको कुछ लाभांश जो है उन शेयर पर मिलता है और किसी ने यदि डिबेंचर ख़रीदे हैं तो उनको जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो उस पर मिलता है तो इस कारण से जो है वो शेयर और डिबेंचर जो है वो महत्वपूर्ण है अब डिबेंचर जनता को इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि जो है कंपनी फंड रेस कर सके और अपने जो असेट्स हैं उनको जो है उनकी गारंटी देती है कोई ने डिबेंचर में इन्वेस्ट कराया तो उनके लिए तो मुख्य रूप से ये इसका परिचय है अब जो है पहले शेयर और डिबेंचर में अंतर डिस्कस करते हैं कि शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है पहला जो अंतर है वो मीनिंग के बेसिस पे किया गया है कि डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए उधार ली गई पूंजी है मीन्स कि जहाँ पे डिबेंचर्स दिए जाते हैं तो उसमें जो है वो कंपनी एक लोन की तरह उनको देती है कि आप जो है इसमें इन्वेस्ट करिए उसके जो असेट्स हैं कंपनी के उसके बदले में उनसे वो लाइबिटीज जो है वो चुकाई जाएंगी तो ये अर्थ के बेसिस पे अंतर किया गया जबकि शेयर जो है वो किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल होते हैं और ये सबसे छोटी इकाई होती है जो कंपनी के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है मीन्स जितना आपने उसमें इन्वेस्ट करा है केवल उतना आपको उसमें दिया जाएगा सपोर आपने सौ रुपये के शेयर खरीदे तो सौ रुपये तक की उसमें लाइबिलिटीज होगी तो ये अर्थ के बेसिस पर अंतर किया दूसरा है निवेश पर वापसी पहला जो है इसमें बताया गया है कि इसमें जो है डिबेंचर में ब्याज के रूप में दिया जाता है जबकि शेयर को जो है उसमें लाभांश मिलता है मीन्स डिविडेंड जो है उसमें प्रोवाइड किया जाता है कंपनी को तीसरा अंतर है इन्वेस्टर के बेसिस पे इसमें जो है डिबेंचर में वो उसके कंपनी के लेनदार होते हैं मीन्स लेंडर होते हैं और जबकि शेयर में जो है वो एक पार्ट के मालिक होते हैं या ओनर होते हैं मीन्स एक शेयर के ओनर होते हैं जितना शेयर उन्होंने इन्वेस्ट करा है तो उतने उनके वो मालिक होंगे कंपनी के अब यहाँ पे जो है वोटिंग के अधिकार के बेसिस पे भी इस पर अंतर किया गया है तो इसमें जो है जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं होता है जबकि शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट्स होता है कि जो उनकी मीटिंग वगैरह होती है प्रपोजल्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पर वो वोटिंग कर सकते हैं तो ये उनको राइट्स है नेक्स्ट अंतर जोखिम के बेसिस पे किया गया है जो डिबेंचर होते हैं उनमें कम जोपिंग होता है क्योंकि वो सिक्योर जो है इन्वेस्टमेंट माना जाता है जबकि जो शेयर होते हैं इसमें जो है एक रिस्क रहती है और रिस्क के बेसिस पे व्यक्ति जो है वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में नेक्स्ट जो अंतर है वो बदल सकने या शेयर में मतलब ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पे किया जाता है यहाँ पे जो है जो डिवेंचर होते हैं वो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन जो शेयर्स से हैं वो डिबेंचर में परिवर्तित नहीं हो सकते तो ये इसके बेसिस पे भी अंतर किया गया है नेक्स्ट अंतर जो है वो रेटिंग के बेसिस पे किया गया है आई द्वारा सबसे सुरक्षित और कमज़ोर श्रेणी में रखा गया है कि ये सिक्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में होता है जबकि शेयर की कोई ऐसी रेटिंग नहीं दी जाती है नेक्स्ट जो अंतर है वो सुरक्षा के बेसिस पे किया गया है कि डिबेंचर जो है सुरक्षित और असुरक्षित दोनों ऋण होता है जो कंपनी पे दिया जाता है जबकि शेयर जो है वो असुरक्षित और सुरक्षित दोनों ऋण का संयोजन होता है लेकिन इसमें जो है प्रतिफल सुनिश्चित होता है कि जब भी कंपनी को कोई ऐसे प्रॉफिट होंगे तो उसमें जो है वो उसको उनको जो है उसका डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा नेक्स्ट है वापसी के बेसिस पे किया गया है कि जब भी कंपनी की कोई बाइंडिंग अप होती है तो सबसे जो प्रा, पहली प्राथमिकता जो है वो डिबेंचर्स होल्डर्स की होती है मतलब मीस जो क्रेडिटर्स हैं उनके बाद में जो है वो डिबेंचर्स होल्डर्स को उनका जो जो शेयर उन्होंने इन्वेस्ट करा है तो वो दिया जाता है जबकि शेयर में जो है केवल देनदारियाँ जब सबकी कंप्लीट हो जाती हैं तो उनके बाद जो है वो डिबेंचर्स होल्डर्स की लाइबिटीज बनती है उनके जो है वो लाइबिटीज दी जाती है अब जो है डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर्स का क्या मीनिंग है और क्या उसकी परिभाषा है तो डिबेंचर्स जो है वो एक लैटिन शब्द से बना है डिबेयर से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ टू ओबे मीन्स कि यह एक लैटिन इंग्लिश टर्म है डिवेंचर या ऋण पत्र वो एक लैटिन टर्म से लिया गया है जिस डिबेरे से जिसका अर्थ होता है कि टू ओबे मीन्स किसी को ओबलाइज करना और पत्र का आशय ऐसे प्रिलेख से है जो किसी ऋण लेने का कार्य करता है अथवा उसकी स्वीकृति देता है मतलब यह ऐसा प्रलेख है या डॉक्यूमेंट है जो एक एक्सेप्टेंस देता है ऋण लेने की तो उसे डिबेंचर कहते हैं अतः ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण पत्र की स्वीकृति होता है कि जहां पर उसने इश्यू करा और उसकी एक्सेप्टेंस दे दी ऋण पत्र की तो वहां पे वो डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे कंपनी अपनी सार मुद्दा के अंतर्गत निर्मित करती है और जिस पर एक ऋण राशि ब्याज की दर भुगतान की शर्तें और अन्य शर्तों का वर्णन होता है ठीक है तो इसके अनुसार जो है वो ऋण पत्र को परिभाषित किया गया है कि ऋण पत्र जो है एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें वो ऋण की सारी वो कंडीशन जो है वो मेंशन की होती हैं कि, कि कितना ब्याज उस पर मिलेगा कितने का ऋण जो है उसने लिया है और क्या शर्तें होंगी कब जो है वो उसको कैश करा सकता है क्या उसकी लाइबिलिटीज होगी तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो है वो उसमें जो डॉक्यूमेंट उन्होंने इशू कराया कंपनी में उसमें लिखी जाती है जिसे अपन ऋण पत्र कहते हैं अब ऋण पत्र के लक्षण तथा विशेषताएं तो ऋण पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं जो है वो बताई गई हैं पहली जो विशेषता है कि यह कंपनी द्वारा निर्गमित किया जाता है मीन्स कंपनी द्वारा इशू किया जाता है और सामान्यतः ऋण की स्वीकृति के प्रमाण पत्र के रूप में होता है मतलब एक सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी इशू करती है जिसे अपन ऋण पत्र कहते हैं कि जैसी उसने इसको इशू करा और सब्सक्राइब व्यक्तियों ने सब्सक्राइब किया तो उसके बेसिस पे एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है दूसरी जो इसकी विशेषता है इसकी इसमें कॉमन सील होती है कंपनी की कि जैसे ये इशू किया गया वो तो वो कंपनी की कॉमन सील से या सिग्नेचर से जो है वो इशू किया जाएगा जिसमें वो राशि और डेट और वो सारी टर्म एंड कंडीशन जो है वो मेंशन होंगी तीसरी इसकी विशेषता ये प्राय श्रृंखला के रूप में निर्मित किए जाते हैं मीन्स इसकी एक सीरीज होती है लेकिन संपूर्ण ऋण के लिए एक ही ऋण पत्र प्रदान किया जाता है मतलब जहाँ पे एक ही क्रेडिटर है या संपूर्ण ऋण के लिए उन्होंने किया है तो वहाँ पे एक हुआ एक जो डिबेंचर जो है वो इशू किया जाएगा नहीं तो ये हमेशा सीरीज में इशू किए जाते हैं चौथी इसकी विशेषता है इनमें प्रायः विराज की दर और शोधन तिथि उल्लिखित रहती है इसमें ब्याज की दर की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और कब जो है इसको कैश करा सकते हैं तो ये भी चीज़ें जो है इसमें मेंशन होती हैं पांचवी जो इसकी विशेषता की यह सामान्यतः कंपनी की सभाओं में मतदान करने का अधिकार नहीं होता कि जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं जिनके लिए डिबेंचर इशू करे गए हैं तो उनको जो है कोई वोटिंग राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं किए होते हैं तो सामान्यतः ये जो है एक डिबेंचर की विशेषताएँ होती हैं नेक्स्ट जो है डिबेंचर्स के लाभ डिस्कस किए कि डिबेंचर्स के क्या लाभ होते हैं अब डिबेंचर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कंपनी इक्विटी को कम किए बिना आवश्यक धनराशि प्राप्त कर सकती है कि जहाँ पे कंपनी के पास में धन की कमी है तो वहाँ पे जो है वो डिबेंचर्स जो है वो इश्यू किए जाते हैं और ये एक सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि डिबेंचर ऋण का एक रूप होते हैं और कंपनी की इक्विटी जो है वो परिवर्तित होती रहती है तो इसके बेसिस पे ये पहला लाभ है कि ये जो है एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए कंपनी में दूसरा लाभ है कंपनी पर भुगतान किया जाने वाला ब्याज कंपनी के लिए लाभ के विरुद्ध एक शुल्क है लेकिन इसका मतलब यह है कि यह कर कटौती योग्य व्यय है और कर योजना बनाते समय उपयोगी है कि जहाँ पे योजना बनानी उसको प्लानिंग बनानी और मनी की जरूरत है तो वो जो है वो डिवेंचर्स के रूप में जो मनी उन्होंने सब्सक्राइब किया है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तीसरा इसका लाभ है कि डिबेंचर दीर्घकालीन योजना और वित्त पोषण को प्रोत्साहित करते हैं कि ये जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर जो है उसको लॉन्ग प्रॉफिट जो है उनको प्रोवाइड किए जाते हैं तो ये भी इसका लाभ है डिबेंचर का नेक्स्ट जो है डिबेंचर धारकों को बहुत ही कम जोखिम होता है जोखिम इसीलिए कम होता है कि क्योंकि जो शेयर के मामले में क्या होता है कि जोखिम ज्यादा होता है यहाँ पे जो है वो ऋण पत्र है वो डिबेंचर या ऋण पत्र तो वहाँ पे जो है उसके इन्वेस्टमेंट में जोखिम कम होता है व्यक्तियों के लिए तो इसके बेसिस पे भी ये इसका लाभ है तीसरा है मुद्रा स्पिति के समय में धन जुटाने के लिए डिबेंचर पसंदीदा साधन होते हैं कि जब मुद्रा स्पीति की स्थिति आती है तो वहाँ पे कंपनी जो है वो धन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण है तो ये कुछ डिबेंचर्स के लाभ जो हैं वो बताए गए हैं इसमें नेक्स्ट है डिबेंचर्स के नुकसान क्या होते हैं कि जैसे कुछ फ़ायदे बताए गए हैं डिबेंचर्स के वैसे कुछ नुकसान भी डिबेंचर्स के हैं सबसे पहला जो नुकसान है डिबेंचर्स का कि डिबेंचर धारकों को दे ब्याज कंपनी के लिए एक वित्तीय बोझ है कि यह कंपनी के लिए एक वित्तीय बोझ माना जाता है तो ये एक हानि है या नुकसान है कंपनी के लिए या डिबेंचर धारकों के लिए दूसरा जो नुकसान है कि डिबेंचर जारी करने से जहाँ कंपनी को इक्विटी पर व्यापार करने में मदद मिलती है वहीं उसे एक कर्ज भी बनता है कंपनी पे क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर जो है एक प्रकार से लोन है कंपनी पे जिसको उसको चुकाना पड़ता है तो ये भी एक उसका नुकसान कि ये कंपनी पे एक बोझ होता है या कर्ज होता है चार्ज होता है जिसको उसको चुकाना पड़ता है जो कंपनी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तीसरी जो इसका हानि है कि डिबेंचर्स का मोचन कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी बड़ी है जो उसकी तरलता को संतुलित कर सकता है मीन्स के डिबेंचर्स का जो फॉरक्लोजर्स होता है कि कभी भी व्यक्ति जो है उसका फॉरक्लोजर कर लेते हैं तो इससे एक नुकसान जो है वो कंपनी को होता है नेक्स्ट जो नुकसान है कि मंदी के दौरान जब मुनाफा घट रहा हो तो निश्चित ब्याज दर के कारण डिबेंचर बहुत महंगे साबित होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स किया जाता है और वो जो है कंपनी को देना ही पड़ता है तो ये भी एक डिबेंचर्स का नुकसान है नेक्स्ट जो है ऋण पत्रों के क्या प्रकार होते हैं ऋण पत्रों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है पहला जो है रजिस्टर्ड ऋण पत्र रजिस्टर्ड ऋण पत्र जो है वो ऐसे पत्र होते हैं या ऐसे पत्र जिनमें धारकों के नाम पते व अन्य विवरण कंपनी द्वारा रखे गए ऋण पत्र धारकों के रजिस्टर में लिखे होते हैं उसको अपन रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते, है। कहते हैं या रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं मतलब ऐसा ऋण पत्र जिसमें जो डिबेंचर्स होल्डर्स के नाम पते व अन्य विवरण कंपनी द्वारा रखे गए जो रजिस्टर्ड मेंटेन करता है उसमें सारी जानकारी जो है उनकी डिबेंचर्स होल्डर्स की होती है और वो कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं तो इसके बेसिस पर वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होल्डर होते हैं अब इन पर मूलधन और ब्याज का भुगतान रजिस्टर्ड धारकों को ही दिया जाता है क्योंकि जो कंपनी के रजिस्टर्ड होल्डर होते हैं तो उन्हीं को जो है उनका ऋण का भुगतान या जो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट है या ब्याज है उनका भुगतान जो है वो केवल रजिस्टर्ड धारकों को किया जाता है अब इनका हस्ताक्षर कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो सकता है मीस के जो ये डिबेंचर्स हैं उनका जो हस्तांतरण या ट्रांसफ़र है वो कंपनी के जो निर्धारित नियम है उनके अनुसार ही वो कर सकते हैं बाकी अन्यथा नहीं तो ये पहला प्रकार है डिबेंचर्स का दूसरा प्रकार है बीरर डिबेंचर्स बीरर डेवेंचर्स मीन्स धारक जिसने वो डिबेंचर्स जो हैं वो होल्ड कर रखे हैं जैसे पहले अपन ने डिस्कस करा कि रजिस्टर्ड तो वो कंपनी के पास में रजिस्टर्ड होते हैं दूसरा बोला कि बी रे डिबेंचर्स बी रे डिबेंचर्स जो धारक है या जिनको दिए गए हैं कि ऐसे पत्र जिनके धारकों का नाम जिन्होंने वो डिबेंचर्स होल्ड कर रखे हैं तो उनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखा जाता है और ना ही हस्तांतरण करते समय कंपनी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है तो इसके बेसिस पर जो है ये शु बेर डिवेंचर है दूसरे शब्दों में कहें कि बाहक रेड़ पत्तों का हस्तांतरण केवल सुपुदगी मात्रा से हो जाता है मतलब जैसे ही आपने उसको दे दिए तो उनका जो है हस्तांतरण जो है वो हो जाता है जबकि जो रजिस्टर्ड है वो कंपनी के जो रूल्स बनाए गए हैं रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके अनुसार ही किया जाएगा तो ये दूसरा जो इसका प्रकार है डिबेंचर्स का तीसरा प्रकार है बंधक या मॉर्गेज डिबेंचर जिन ऋण पत्रों के लिए कंपनी की संपत्तियों पर भार मींस के जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको मॉर्गेज के रूप में वो इशू करते हैं उसको अपन जो है वो सिक्योर बंधक या मॉर्गेज डिबेंचर्स जो है वो कहते हैं यदि कंपनी ऐसे ऋण पत्र धारकों की राशि का भुगतान नहीं करती है तो जो उनकी पर्सनल असेट है या प्रॉपर्टी है उसको वो जो है वो व्यक्ति जो है वो बेच सकते हैं और उस पर चार्ज और मॉर्गेज की तरह है रहती है तो ये तीसरा प्रकार है बंधक का जिसे अपन सिक्योर और मॉर्गेज डिबेंचर्स जो है वो कहते हैं चौथा जो इसका प्रकार है साधारण और सुरक्षित सिंपल और अनसिक्योर और नेक्ड मॉर्गेज इन निरपत्ताओं को निर्मित करने पर कंपनी अपनी को कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं रखती है इसीलिए इसको अनसिक्योर डिबेंचर्स जो है वो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है कंपनी अपनी असेट्स या प्रॉपर्टी जो है वो उसमें नहीं रखती है लेकिन जो है इसमें ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती है इसे साधारण लेनदार की भांति होती है मतलब विदाउट कोई एसेट्स रखे जो है वो कंपनी में उसके डिबेंचर्स जो है वो ले सकता है तो ये इसका चौथा प्रकार है पांचवा प्रकार है शोध पत्र रिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी द्वारा किया जाता है शोध पत्र कहा जाता है मतलब एक डेफिनेट टाइम्स के लिए उन्होंने बोला कि एक साल के लिए वो ऋण पत्र इशू करे गए दो साल के लिए या तीन साल के लिए तो एक डेफिनेट पीरियड जो है वो इसमें पत्र में दिया जाता है उसके बाद जैसे वो टाइम पीरियड एक्सपायर होता है तो वो अपने जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करा सकते हैं नेक्स्ट जो है अशोध इन रिडीमेबल डिबेंचर्स और परपिचुअल डिबेंचर्स इसमें जो है कि जिन ऋण पत्रों की राशि कंपनी के समापन पर भुगतान की जाती है और कंपनी के जीवन में भुगतान नहीं की जाती मीन्स इन रिडीमेबल कि जैसे ही कंपनी जो है वो समाप्त होगी उस समय जो है वो उनके जो है डिबेंचर्स की जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या भुगतान किया जाना है तो वो समय होगा इसीलिए इसको इन रिडीमेबल डिबेंचर्स बोला कि आप जो है कंपनी जब बाइंडिंग अप हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी तब जो है उसको आप क्लेम कर सकती है वो डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीमेबल होते हैं जिसको अपन अनसिक्योर डिबेंचर बोलते हैं यद्यपि इनका भुगतान कंपनी के समापन पर किया जाता है परंतु इन पर ब्याज बराबर मतलब टाइम टू टाइम जो है वो दिया जाता है यदि ब्याज के देने में त्रुटि की जाती है तो इनका भुगतान कंपनी के जीवन में कराया जा सकता है तो ये छठवा जो है डिबेंचर्स का प्रकार है सातवा है परिवर्तनशील ऋण कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कि जब ऋण पत्र धारकों को यह विकल्प ऑप्शन दिया जाता है कि वे निश्चित समय के अंतर्गत अपने ऋणों को अंश या स्कंद के रूप में परिवर्तित कर, कर सकते हैं मीन्स कि जहाँ पे उस व्यक्ति को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो अपने डिबेंचर्स जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे जो है उनको परिवर्तनशील डिबेंचर्स बोला जाता है या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोला जाता है तो इस तरह से ये डिबेंचर्स के जो है वो प्रकार बताए गए हैं अब जो है ऋण पत्र निर्गमन करने की एक विधि जो है वो की गई है कि ऋण पत्र जो है वो कंपनी कैसे इशू करेगी तो इसके बारे में कुछ प्रावधान जो है वो बताए गए हैं कंपनी अधिनियम में कि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर और प्रीमियम पर कर सकती है मीन्स कि डिबेंचर्स का मूल्य जो है वो उस पर लिखा होगा और उसका क्या प्रीमियम जो है वो होगा जिसको उसको जमा करना पड़ेगा तो इसके बेसिस पे जो है वो डिबेंचर्स जो है वो कंपनी इशू करती है अब कंपनी अधिनियम इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती मतलब कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो है उस या कंडीशंस जो है वो उस पर इम्पोज नहीं कर सकती अब कंपनी अधिनियम में ऋण पत्रों पर निगमत करने के लिए प्रतिबंध लगाए सभी कंपनियों के अंत नियम में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी होती है कि संचालकों को पत्र जारी करने का अधिकार है मीन्स कि जितनी भी कंपनियां हैं पब्लिक कंपनियां, स्पेशली वो पत्र जो है वो जारी कर सकती हैं और अपने टर्म एंड कंडीशन पे उनको इशू कर सकती हैं अब पत्र के निगम करने का सही तरीका वह है कि जो अंशों के निर्माण करने का है कि जैसे एक शेयर जो है इशू किए जाते हैं वैसे जो है वो डिवेंचर इशू किए जाते हैं और उस पर उसकी वैल्यू प्रीमियम ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं कौन सा प्रकार है उसका डिबेंचर्स का तो ये सारी चीज़ें जो है उस पर लिखी जाती अब संचालक मंडल या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपनी सभा में जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या वैल्यू है क्या चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन करता है उसके बेसिस पे डिबेंचर्स जो है वो इश्यू किए जाते हैं अब सभा में उन सभी शर्तों को निश्चित किया जाता है जिन पर ऋण पत्रों का निर्बंध किया जाना है मीन्स वो सारी टर्म एंड कंडीशन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको इशू करते हैं अब संचालक मंडल द्वारा एक कमेटी की स्थापना की जाती है जिसका मुख्य कार्य वैधानिक सलाहकार के परामर्श से विवरण में मेंशन किया जाता है उसके बाद जैसे ही विवरण इश्यू किया जाता है तो वो डिबेंचर्स जो है वो सब्सक्र पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए भेजे जाते हैं अब जिसका मुख्य कार्य वैधानिक सलाहकार और इनको तैयार करना है तो इस तरह से जो है एक प्रोसीजर्स है डिबेंचर्स को इशू करने की प्रोसीजर्स जो है वो बोर्ड ऑफ मीटिंग में वो टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे जो है वो प्रोस्पेक्ट्स में वो सारी कंडीशंस मेंशन करते हैं और उसको इशू करते हैं इसके बाद बताया कि ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर्ड कि जितने भी ऋण पत्र हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने यहाँ सभी ऋण पत्रधारियों का एक रजिस्टर्ड जो है वो मेनटेन करे और रजिस्टर्ड में निम्न बातों को जो है वो लिखना आवश्यक है पहला जो है जितने भी डिबेंचर्स होल्डर्स हैं उनके नाम और पते दूसरा ऋण पत्र का नंबर और ऋण पत्र की रकम मीन्स जो उसका सीरियल नंबर है वो उसमें लिखना जरूरी है और कितनी रकम के लिए वो डेबेंचेस जो है वो इशू करे गए हैं तो ये भी इसमें मेंशन करना जरूरी है तीसरा है ऋण पत्र के प्रमाण पत्र का नंबर कि ऋण पत्र जो इशू किया गया है उसका क्या नंबर है वो भी उसमें लिखना रजिस्टर्ड में आवश्यक है चौथा जो है ऋण पत्र धारक के धारक होने तथा अलग होने की तिथि मतलब जब उसने ऋण पत्र धारण किया है वो तिथि और जब उसने उसको बेब किया है तो वो तिथि जब उसको सरेंडर किया है तो बोलती तिथि उसमें लिखना आवश्यक है उस रजिस्टर में जो उसने मेंशन करा है पाँचवा जो है कि यदि धारक की संख्या पचास से अधिक है तो कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह धारकों की एक सूची तैयार करे ताकि इस सूची को रजिस्टर के साथ लगा कर रखें यदि सूची में कोई परिवर्तन होता है तो इसको चौदह दिन के अंदर रजिस्टर में समाविष्ट किया जाना चाहिए कि यदि धारकों की संख्या पचास से अधिक है तो वहाँ पर जो है एक लिस्ट जो है वो उसके साथ उसमें मेंशन करनी होगी रजिस्टर्ड में और यदि उसमें कोई चेंजेस किए गए हैं तो वो चौदह दिन के भीतर जो है वो रजिस्टर में मेंशन होने चाहिए या प्रविष्ट होने चाहिए तो ये एक रजिस्टर्ड जो है वो मेंटेन करना चाहिए कंपनी को द डिबेंचर होल्ड अब, हो अब पत्रों का हस्तांतरण कैसे होता है तो इसके बारे में भी कंपनी अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं कि पत्रों के निगमन का ढंग एक दूसरे से पृथक होता है यह विशेष रूप से ऋण पत्तों के प्रकार और प्रकृति पर निर्भर करता है मीन्स की कंपनी जो डिवेंचर्स हैं वो किस प्रकार के हैं कैसे हैं तो उसकी बेसिस पर जो है उसकी ट्रांसफेबिलिटी पर निर्भर होता है यदि बाहर पत्र का निर्गमन किया गया है तो इसकी सुपुर्दगी माच से ही हस्तांतरण हो जाएगा मीन्स के यदि बेरर है तो केवल आपको दे दिया तो वो सीधा उसका ट्रांसफ़र आप कर सकते हो किसी और को यदि रजिस्टर्ड कोई डिबेंचर्स है तो वहाँ पे जो है जो कंपनी ने प्रोसीजर प्रस्क्राइब किए उस प्रोसीजर से जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा और रजिस्ट्रार ये द्वारा प्रमाणित प्रलेख कंपनी के कार्यालय में हस्तांतरित प्रस्तुत करना होगा कि जहाँ पर आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रार के लिए एक आवेदन जो है वो देना होगा तभी जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यदि दोनों पक्षों से किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है तो हस्तांतरण किताबों में प्रवेश कर गया जो रजिस्टर्ड उसने मेंटेन करा है तो वो उसके द्वारा जो है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है डिबेंचर्स का ये डिबेंचर्स संबंधित प्रावधान दिए अब पत्र धारकों के लिए क्या उपचार हैं मीन्स कि यदि जो ऋण पत्र आपने इन्वेस्ट करा है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है या आपकी जो मूलधन है वो नहीं मिलती है तो उसको लिए फिर क्या उस, उनके लिए उपचार हैं तो ये जो है ये भी कंपनी अधिनियम में बताया कि यदि कंपनी ब्याज का भुगतान करने अथवा मूलधन वापस करने में त्रुटि करे तो अन्य आरक्षित लेनदार के समान आरक्षित ऋण पत्रधारी भी संविदा भंग कर सकते हैं और कंपनी पर बाद ला सकते हैं मीन्स के जहाँ पे उन्होंने मूलधन या जो इंटरेस्ट है जो उसको दिया जाना है यदि वो देने में आनाकानी करी है तो वहाँ पे जो है वो ट्रिब्यूनल्स में या कोर्ट में जो है वो एक बात दायर कर सकते हैं उसकी रिकवरी के लिए कि जो उनका मूलधन है और ऋण है वो उनको वापस किया जाए नेक्स्ट जो है बताया कि जो रक्षित ऋण पत्रधारी हैं उनको दो उपयुक्त उपचार जो हैं बताए गए हैं या रेमेडीज जो हैं वो बताई गई हैं फर्स्ट कि वे न्यायालय में या ट्रिब्यूनल्स में आवेदन दिए बगैर ऋण पत्रों के निगमन की शर्तों तथा न्यास ब्लेक द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं मीन्स या तो वो न्यायालय में जाए या सीधे जो है वो उसके जो अपने राइट्स हैं या कंडीशंस हैं उनका उपयोग कर सकते हैं दूसरा वो कि वे प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए अथवा प्रभावित संपत्ति को बेचने के आदेश के लिए अथवा फोर क्लोजर्स के आदेश के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं मीन्स के जो उन्होंने डिबेंचर्स खरीदे हैं तो वो वहाँ पे कोर्ट न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं और उनको जो है वो फोर क्लोजर करवा सकते हैं तो ये जो है दो रेमेडीज जो हैं डिबेंचर्स होल्डर्स को प्रोवाइड्स करी हैं और जिसके लिए जो है निषेधाज्ञा इंजंक्शंस ये सारे जो है वो रेमेडीज जो है वो उनको प्रोवाइड्स करी गई हैं तो ये जो है वो डिबेंचर से संबंधित प्रावधान जो है वो इसमें मेंशन किए हुए हैं दूसरा जो है वो शेयर्स के बारे में बताया गया है कि शेयर्स क्या होते हैं तो शेयर्स के बारे में एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं कि शेयर्स होते क्या है एक्चुअली शेयर्स जो है एक शेयर कैपिटल है कंपनी की या एक यूनिट है कंपनी की कि जितने भी आप शेयर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हो तो उतने जो है आपको वो होते हैं प्रॉफिट uh, जो है वो कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं और प्रत्येक इकाई को इसकी अंश कहते हैं या शेयर्स कहते हैं मींस ये यूनिट है कंपनी की और इस इकाई को ही शेयर्स कहते हैं अब एक संयुक्त स्तंग कंपनी अपनी पूंजी को समान वर्ग की इकाइयों में विभाजित करती है और प्रत्येक इकाई को यूनिट कहते हैं या शेयर कहते हैं यह इकाई है, है पूंजी की प्राप्ति के लिए विक्रय का एक प्रस्ताव किया जाता है कि जैसी बना है कंपनी ने बनाया है तो वो जो है में पब्लिक से जो है वो मनी सब्सक्राइब करती है शेयर के माध्यम से और इस प्रक्रिया को अंश का निगम कहते हैं जिसे अपन बोलते हैं कि इशूइंग ऑफ शेयर और एक अंश व्यक्ति जो अंश का क्रय करता है अंशधारी कहलाता है जिसे अपन शेयर मतलब जिसने वो शेयर खरीदे हैं या परचेज करे हैं तो वो उसका शेयर होल्डर होगा और कंपनी के अधिकरण के द्वारा वह कंपनी के स्वामियों से होता है मीन्स वो ओनर होता है उस शेयर का या उस एक पर्टिकुलर अंश का तो उसको शेयर होल्डर बोलते हैं अतः पूंजी अंश पूंजी की एक अभिभाज्य इकाई है यूनिट है वह कंपनी के अंशधारियों के मत स्वामित्व स्थापित या संबंध स्थापित करता है अंश पर मुद्रित मूल समूल कहलाता है कि उस पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसका समूल होगा और कंपनी की संपूर्ण पूंजी अंशों में विभाजित होती है कि कंपनी के कितने शेयर्स हैं या अंश हैं या यूनिट है तो उसको शेयर बोलते हैं अब कुछ परिभाषाएं जो है वो दी हुई है कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश कंपनी की संपूर्ण पूंजी समान मूल्य की सुविधाजनक इकाइयों में विभाजित होती है तथा प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं कि कंपनी की जितनी भी कैपिटल्स से, है वो शेयर में विभाजित होती है जिसे अपन अंश बोलते हैं अब जो है वो अंशों के प्रकार बताए गए हैं कि अंशों के क्या क्या प्रकार हैं पहला जो है कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है पहला जो है, है, है।, है समतांश मीन्स इक्विटी शेयर और दूसरा जो है पूर्वाधिकार अंश जिसे अपन प्रेफरेंशियल शेयर बोलते हैं ठीक है तो समता जो अंश है इसके बारे में डिस्कस करेंगे समता अंश जो है वो क्या है समता अंश जो है पूंजी का वह भाग है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं माने जाते मीन्स इक्विटी शेयर वो शेयर्स हैं जो प्रेफरेंशियल शेयर्स नहीं है इसका आशय ऐसे अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है समता अंशों का सामान्य या साधारण अंश भी कहा जाता है मीन्स ये साधारण या सामान्य अंश होते हैं जो कंपनी इशू करती है समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान कंपनी के लाभ में से पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभांश के भुगतान पर के पश्चात किया जाता है कि जैसे जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स हैं उनका भुगतान हो तो सबसे पहले जो इक्विटी शेयर्स के जो पेमेंट है जब कंपनी बाइंडिंग अप होती तो

भुगतान के पश्चात समता अंश पर लाभ का भुगतान दिया जाता है मीन्स सबसे पहले जो है वो डिविडेंड यदि कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा है तो डिविडेंड जो है इन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है अब अंश पर लाभास की दर निश्चित ना होकर उपलब्ध लाभ व निदेशक मंडल के निर्णय पर निर्भर करती है कि ये सारा क्या उसका लाभ होगा क्या डिविडेंड का रेट होगा तो ये सारा जो है वो निर्देशक जो मंडल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसाइड करता है कि जो उनको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में क्या डिविडेंड जो है वो उनको शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा अब कंपनी के समापन की दिशा में पूंजी की वापसी के सभी अन्य दायित्व तथा पूर्व अधिकारी अंशों की पूंजी वापसी के बाद होती है और समता पूंजी को उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका धारक कंपनी का स्वामी होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो जो कंपनी की कैपिटल्स होती है उनके स्वामी होते हैं तो तथा कंपनी की संपत्तियों और लाभों पर असीमित हित रखते हैं या और इनका इंटरेस्ट होता है वह कंपनी के सभी व्यावसायिक मामलों पर मताधिकार रखते हैं मीन्स वोटिंग राइट्स रखते हैं जितने भी कॉमर्शियल मैटर और ऊंची दर पर इनको लाभांश या डिविडेंड जो है वो या प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं तो ये समता अंश के कुछ लाभ हैं जिसमें इस इसमें किया गया अब साधारणतः अंशों के निगमन का महत्व तो यह है कि कोई भी लाभ कमाने वाला संगठन का अस्तित्व बिना समता अंश पूंजी के नहीं हो सकता इसे जोखिम पूंजी कहा जाता है अब ऐसे समता में कंपनी को क्या लाभ होंगे तो इसके बारे में भी बताया गया है कि कंपनी को क्या लाभ हैं समता अंशों से और विनियोजक को या जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या लाभ हैं इसके तो इसके बारे में भी, भी बताया गया फर्स्ट जो है दीर्घ अवधि या स्थायी पूंजी कि यह दीर्घकालीन वित्त का उत्तम स्रोत है और एक कंपनी को उसके जीवन काल में समता पूंजी को लौटाने की आवश्यकता नहीं होती इसीलिए वह पूंजी का स्थायी स्रोत है तो ये कंपनी के लिए दीर्घ अवधि और स्थायी पूंजी है मीन्स स्टेबल कैपिटल है कंपनी की इक्विटी सेयर्स और ये जो है इनके लिए जब कंपनी जो है बाइंडिंग अप होती है या कोई और ऐसी चीज़ होती तो वहाँ पे इनको लौटाया नहीं जा सकता या लौटाया नहीं जा सक जाता दूसरा लाभ जो है लाभ होने पर लाभांश का भुगतान कि यदि कंपनी को कोई ऐसा प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में जो है वो डिविडेंड जो है वो उन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है तो ये भी उसके लिए लाभ है कि जब लाभ होगा तभी जो है उसका लाभांश जो है वो या डिविडेंड जो है उनको शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा अब बिनियोजकों के लिए क्या लाभ है तो बिनियोजकों के लिए भी कुछ लाभ बताए गए हैं इसमें इक्विटी शेयर्स में कि जो है इक्विटी शेयर्स जो है वो अधिक आय जो है वो प्रोवाइड करती है जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए दूसरा जो है कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार होता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है कंट्रोल है उनके उसमें उसको भाग लेने का राइट्स होता है तो ये भी उसका एक लाभ है तीसरा जो है अंशों के बाज़ार में वृद्धि होने पर समतांशों का विक्रय मद पूंजी लाभ अर्जित किया जाता है और चौथा समतांश का मूल्य वर्ग होने के कारण सीमित आय वाले व्यक्तियों के पूंजी विनियोजन हेतु उपयुक्त होते हैं मीन्स कि जो छोटे जिनको छोटा इन्वेस्टमेंट करना है बड़ा नहीं करना है तो उनके लिए जो है वो ये लाभदायक होते हैं तो इस तरह से जो है विनियोजकों के लिए भी लाभ है इक्विटी शेयर से अब अंश से कुछ हानि भी होती है अब सबसे पहले बताया कि कंपनी को क्या हानि होगी अंश से तो कंपनी को निम्न हानि जो है वो हो सकती है समता अंशों से या जो इक्विटी से होते हैं पहला जो है नियंत्रण में कमी या नियंत्रण में कमी जो है वो होती है इसमें जो है समता अंशों का प्रत्येक विक्रय वर्तमान अंशधारियों के मताधिकार में कभी नए अंशधारियों के मताधिकार में वृद्धि करता है कि यहाँ पे जो है वर्तमान अंशधारियों के मताधिकार में सभी कर नए अंशधारियों के मताधिकार में वृद्धि करता है तो ये नियंत्रण में कमी होती है क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे तो उनमें जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल होगा दूसरा समता पर व्यापार संभव नहीं है कि यदि केवल समता अंशों का निगमन किया जाता है केवल समता अंशों का निगमन किया जाता है तो कंपनी की जो समता पर व्यापार नहीं कर सकती केवल क्षमता अंशों पर कंपनी जो है वो व्यापार नहीं कर सकती तीसरा जो है अति पूंजीकरण कि अंशों का अत्यधिक निर्गमन अति पूंजीकरण को जन्म देता है और इस स्थिति पर प्रति अंश लाभांश कम हो जाता है कि मतलब ये ज़्यादा यदि इशू किए जाएंगे और फिर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें जो है वो लाभांश जो है वो उनके शेयर होल्डर्स को कम हो जाता है चौथा है पूंजी ढांचे में लोच का अभाव कि कंपनी के जीवन काल में समता अंशों का वापस भुगतान नहीं किया जा सकता यह विशेषता कंपनी में पूंजी ढांचे आलोचशीलता को जन्म देती है इसमें जो है वो लॉच का अभाव रहता है पूंजी के ढांचे में तो ये भी इसकी एक हानि है पाँचवा जो है अधिक लागत कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें कंपनी को इश्यू करने में अधिक लागत होती है और उसका वित्तीय जैसे विक्रय लागत तथा उसका अभियोचन कमीशन ये सारा जो है कमीशन भी देना पड़ता है और ये सारी चीज़ें तो इस तरह से जो है अधिक लागत होती तो इस तरह से ये कंपनी के लिए कुछ हानि बताई गई है अब विनियोजकों को क्या हानि होगी समतांश से इसके बारे में भी बताया गया है कि समतांशों से विनियोजक को निम्न हानियाँ होती हैं पहली हानि है अनिश्चित तथा अनियमित अर्थ समतांशों पर लाभांश का भुगतान कंपनी के लाभों की उपलब्धता तथा निदेशक मंडल के निर्णय पर निर्भर करता है इसीलिए समता अंश से आय अनिश्चित तथा अनियमित होती है मतलब इसमें कोई डेफिनेट इनकम नहीं है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसका रेट है या क्या वैल्यू है तो वो जो है वो एक अनिश्चित या अनियमित आय जो है वो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए होती है या जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए होती है दूसरी हानि है मंदी काल में पूंजी हानि कि जहाँ पे कोई मुद्दा स्पीति है मंदी काल है तो वहाँ पर जो है उस व्यक्ति उस को या इन्वेस्टर्स को जो है कैपिटल हानि जो है आपकी जो, जो पूंजी है उसमें हानि जो है वो होती है और जो उनका डिबिडेंट है उसमें डिबिडेंट के लाभांश में उनको कम दिया जाता है इसीलिए जो है ये एक विनियोजकों को, को, को हानि है अब तीसरा जो है वो समापन कि कंपनी की समापन की दिशा में सर्वाधिक दयनीय स्थिति समता शेयर होल्डर्स की होती है कि यहाँ पे जब कंपनी बाइंडिंग अप हो गई है बाइंडिंग अप होने के बाद में जो है सबसे बुरी स्थिति जो है वो शेयर होल्ड होते हैं उनकी होती है इसीलिए जो है वो, ये जो है इसकी इन्वेस्टर के लिए हानि है कि मतलब जब लाइबिटी सेटल करने की बात आती तो सबसे बाद में जो लाइब्रिटीज है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की चुकाई जाती है उनको जो है वो दिया जाता है इसके बाद आता है दूसरा प्रकार पूर्वाधिकार या प्रफ्रेंशियल शेयर्स पूर्वाधिकार अंशों का असर उन उन अंशों से है जिन्हें लाभांश संबंधी तथा तो पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी दो मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं प्रथम लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार से आशा है कि कंपनी के लोगों में सर्वप्रथम इसी श्रेणी के अंशधारियों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है मीन्स कि जब कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले जो है वो प्रेफरेंशियल सी को वो डिविडेंट दिए जाएंगे मींस उनको प्रेफरेंस दी जाएगी वो लाभांश देने में इसीलिए दूसरा कि यदि इन्हें लाभांश देने के पश्चात कुछ लाभ शेष रह जाता है या अन्य श्रेणी के अंशों पर लाभांश का वितरण हो सकता है अन्यथा नहीं द्वितीय पूंजी के भुगतान के संबंध में पूर्व पूर्व अधिकार से यह अर्थ है कि कंपनी का समापन होते समय यदि ऋणदाताओं को भुगतान देने के पश्चात कुछ धन शेष रह जाता है तो सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंश अंश को या अंशधारियों को उसका भुगतान किया जाता है मीन्स कि जहाँ पे लाइब्रेटी सेटल हो गई हैं लाइब्रेटी सेटल होने के बाद में भी कुछ यदि कोई अमाउंट बचता है तो वो सबसे पहले जो है इन प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर्स को दिया जाता है तो ये जो है पूर्वाधिकार लाभांश या अंश होते हैं या प्रेफरेंशियल शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जिनको जो है लाभांश के लिए जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है उसको प्रेफरेंशियल सीयस बोलते हैं अब पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार इन्हें निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है पूर्वाधिकार जो अंश होते हैं प्रेफरेंशियल सीयस होते हैं इनको निम्न श्रेणी में विभाजित किया जाता है संचित संचयी तथा तो असंचयी किन फर्स्ट जो प्रकार है किन अंशों की प्रमुख विशेषता यह है कि यदि कंपनी को पर्याप्त लाभ है तो इन्हें निश्चित दर से अंशों की अपेक्षा पहले लाभांश मिल जाता है कि कंपनी को यदि अतिरिक्त प्रॉफिट हुआ है तो वहाँ पे जो है इनको प्रेफरेंस दी जाती है जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर होते हैं उनके लिए परंतु यदि किसी वर्ष लाभांश ना हो तो आगामी वर्षों में पर्याप्त लाभ होने पर भी पिछले वर्ष की तरह तरह लाभांश नहीं दिया, दिया गया था तो वो भी लाभांश की मांग कर सकते हैं दूसरा जो है भागयुद्ध तथा अभागयुक्त अधिकार अंश भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंशों को कहते हैं जिन पर निश्चित दर से अन्य अंशधारियों से पूर्व लाभ अंश मिलता है कि एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनको दिया जाता है वहां पे उनको प्रॉफिट हो या ना हो तो एक एक निश्चित दर जो है वो निर्धारित कंपनी के द्वारा होती है तो वो उनको एक दिया जाता है तीसरा जो है भागयुक्त तथा भागिता पूर्वाधिकार अंश इस प्रकार के अंशों पर निश्चित दर से जो लाभांश मिलता है किंतु उसके अतिरिक्त उन्हें कंपनी के अतिरिक्त लाभ में भी अन्य श्रेणियों के अंशों के साथ उसको हिस्सा बांटने का अधिकार होता है कि जो अदर शेयर होल्डर्स होते हैं यदि कंपनी को कोई लाभ हुआ तो उनके साथ भी वो उनको डेबिडेंट या प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है तीसरा इसी में बताया गया जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनके क्या लाभ होंगे तो लाभों के बारे में बताया गया पूर्वाधिकार अंश एक हाइब्रिड वित्तीय प्रपत्ति है जिसमें पूंजी के स्रोत के रूप में उपयोग करने पर लाभ और हानियाँ दोनों हैं मतलब इसमें लाभ भी होते हैं और हानियाँ भी होती हैं अब लाभांश भुगतान की कानूनी बाध्यता की अनुपस्थिति ऋण देने की क्षमता में सुधार वर्तमान अंशधारियों के निमंत्रण के बिखराव से बचाव तथा संपत्ति पर प्रभाव ना होना इसके लाभ हैं मीन्स के इसके जो प्रमुख जो लाभ हैं कि क्षमता में सुधार होता है वर्तमान अंशधारियों के नियंत्रण में जो बिखराव है उससे बचाव किया जा सकता है और संपत्ति पर प्रभाव ना हो इसकी जो कैपिटल होती है कंपनी की उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं होता है अब इसमें मुख्य सीमाओं में महंगा वित्तीयन का स्रोत होना तथा प्राथमिक अधिकारों का होना है अब पूर्वाधिकार अंशों का प्रयोग बड़ी औद्योगिक कंपनियों द्वारा उनके प्रोजेक्ट के वित्तीय हेतु दीर्घकालीन स्रोत के रूप में किया जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसका पूर्वाधिकार अंशों का उपयोग करती हैं तो ये इसके अब इन्हें हाइब्रिड कहा जाता है क्योंकि इसमें समता तथा ऋण दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं की और समता की दोनों की विशेषताएं जो है वो इसमें पाई जाती हैं और कंपनी के दृष्टिकोण से पूर्वाधिकार अंशों के निम्न लाभ जो है वो बताए गए हैं फर्स्ट लावाश भुगतान की कानूनी बाध्यता की अनुपस्थिति ये इसका पहला लाभ जो है वो इसमें बताया गया कि लाभांश भुगतान की कानूनी बाध्यता की अनुपस्थिति रहती है इसमें अब कंपनी की पर्याप्त लाभ ना होने की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश भुगतान की अनिवार्यता नहीं होती है। कि जहाँ पे कंपनी को कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस प्रॉफिट जहाँ पर नहीं हुआ है तो वहाँ पर जो है उनको डिविडेंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शेयर्स होल्डर्स को या जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनको दूसरा प्रभार रहित पूंजी कि इसमें जो है कोई ऐसा चार्ज नहीं होता कंपनी पे इसीलिए जो है ये प्रभार रहित पूंजी होते हैं कि पूर्वाधिकार अंशों द्वारा पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी को अपनी संपत्ति या बंधक नहीं रखनी पड़ती कि जैसे एक डिबेंचर्स होल्डर में होता है कि तो वहाँ पर वो अपनी जो कंपनी की असेट्स हैं उनको बंधक रख देते हैं तो यहाँ पर इस केस में उसमें बंधक रखना ज़रूरी नहीं होता है अतः इन अंशों के द्वारा कंपनी बिना संपत्ति को बंधक रखे पर्याप्त धनराशि एकत्रित कर सकती है तो ये भी इसका एक लाभ है तीसरा ऋण लेने की क्षमता में सुधार कि पूर्वाधिकार अंशों से कंपनी के नेटवर्थ में बढ़ोतरी होती है और इसीलिए ये ऋण क्षमता अनुपात में कमी करते हैं और प्रेफरेंस इन शेयर्स को जो है पूर्वाधिकार शेयर्स को ज़्यादा इश्यू करते हैं जिससे संस्था की ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि होती है चौथा जो है क्वंस विनियोजक के लिए उपयुक्त मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्वेश्चन होता है कि वो ज़्यादा जो है वो इसमें इन्वेस्ट ना करें ताकि जो है उसमें एक सिक्योर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बना रहे यह ऐसे विनियोजक के लिए उपयुक्त हैं जो कम जोखिम के साथ निश्चित आय के इच्छुक हैं कि इसमें जो है वो कम जोखिम होगा इसीलिए जो है वो इसका लाभ है पांचवा लाभ है नियंत्रण के बिखराव पर रोक कि जो कंपनी के वर्तमान अंशधारी पूर्व अंशधारियों के निर्गमन के द्वारा अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल अपने मामलों में मताधिकार प्राप्त होते हैं अथा ये अंश निमंत्रण में कमी नहीं करते कि जो इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर्स हैं उनमें यदि कोई ऐसा बिखराव है या बिखराव की स्थिति है तो इससे जो है ऐसा नहीं होता इसमें इसमें ऐसे कम इशू किए जाते हैं तो इसमें बिखराव की कोई ऐसी उस पर रोक लगा लगी होती है छठ जो है आकर्षक प्रकार कि अशोधनीय परिवर्तनीय और भागमुक्त पूर्वाधिकार अंश अधिक आकर्षक होते हैं क्योंकि ये विनियोग के लिए मददगार होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई शोधन नहीं होता इनका आप परिवर्तनशील और भागमुक्त पूर्वाधिकार अंशदार अधिक आकर्षक होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए सातवां जो है सुविधाजनक होती है इसमें कि पूर्वा अधिकार अंशों के निर्गम में ऋणपतों की तुलना में किसी प्रभार की आवश्यकता नहीं होती मीन्स किसी चार्ज की आवश्यकता नहीं होती ऐसे शेयर्स को इश्यू करने में जिसके कारण से ये इन्वेस्टर के लिए सुविधाजनक होते हैं आठवां समता अंशधारियों की आय में वृद्धि कि पूर्वाधिकार अंशों में निर्गमन के द्वारा समता अंशधारियों अंशधारी लाभांश की बड़ी धनराशि प्राप्त करते हैं कि जहाँ पे जो समता अंशधारियों की आय में वृद्धि होती है इसके कारण जो पूर्वाधिकार अंश हैं मितभेई कि इसमें जो है वो कम खर्चा होता है कंपनी को इश्यू करने में इसीलिए जो है ये उसका एक लाभ है समता अंशों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशों से वित्तीयन में सस्ता होता है इसे जो है इसमें इशू करने में लागत कम आती है जिसे इन अंशों के निगमन द्वारा बड़ी पूंजीगत व्ययों को पूरा किया जा सकता है और पुनर्निर्माण तथा पुनर्संगठन कि जब कंपनी पुनर्निर्माण या पुनर्संगठन करती है तो वह लेनदार से सहमति प्राप्त कर ऋण पत्रों को पूर्वाधिकार आसान से परिवर्तित कर सकती है अब पूर्वाधिकार अंश के दोष क्या है इसमें जो है कि बाबी जो लाभांश होगा उसके लिए तो उन अंशों की ऋण पत्रों की तुलना में अधिक होती है कि पूर्व बाबी लाभांश जो है मतलब फ्यूचर में कोई यदि ऐसा लाभ होता है तो ये इनको दिया जाता है तो ये जो है इसका एक दोष है दूसरा है लाभांश का एकत्र होना कि भागुक्त पूर्वाधिकार अंशों की दशा में लाभांश इकट्ठा होता रहता है जो कंपनी पर स्थायी वार डालता है कि मतलब जब भी उनको लाभ हुआ तो वो जो है वो एकत्रित होता है और जब कंपनी उसमें बाइंडिंग अप तो ये कंपनी पर एक भार होता है तीसरा महंगा होना के ऋण पत्थों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशों में वित्तीय अधिक महंगा होता है एंड चौथा मताधिकार की हानि या जो मताधिकार उनको है तो उनको मताधिकार जो है इनको नहीं दिए होते तो ये भी एक दोष है कि इनको जो है वोटिंग राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं किए थे और सायसी विनियोकों के लिए अनुपयुक्त हैं कि जो साइसी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऐसे शेयर जो है वो अनुपयुक्त हैं अब समता अंश और पूर्वाधिकांश अंश में अंतर पहला जो अंतर है वो लाभांश के बेसिस पे किया गया है कि समता अंश में निश्चित दर होती है या निश्चित नहीं है लाभांश जबकि पूर्वाधिकार में निश्चित है कि लाभांश दिया जाएगा आपको दूसरा है लाभांश का भुगतान के बेसिस पे किया गया है कि इन अंशों पर लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों के भुगतान के बाद होता है मीन्स के सबसे पहले जो है पूर्वाधिकार अंशधारियों का भुगतान होगा उसके बाद जो है वो समता अंशधारियों का भुगतान होगा नेक्स्ट अंतर समापन की दशा में वापसी कि कंपनी की समापन की दशा में अंशधारियों को पूंजी की पूर्वाधिकार अंशधारियों की भांति वापसी के बाद की जाती है मतलब सबसे पहले जो है वो समता अंशधारियों को दिया जाएगा इसके बाद जो है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाएगा मताधिकार के बेसिस पर अंतर किया गया कि इन सभी मामलों में मतदान का अधिकार होता है कि जो समता अधिकार वो होते हैं उनको मताधिकार का जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को विशेष परिस्थितियों में मतदान का अधिकार होता है वापसी वापसी के के का या बापसी के विशेष इन अंशों का या कंपनी पूरे जीवन काल में नहीं होती है जबकि पूर्वाधिकार के संबंध में अंशों के एक निश्चित समय के बाद पुनर्भुगतान होता है अब अंशों के निगम की प्रक्रिया क्या होगी तो सबसे पहले जो है जब कोई भी अंश निगम करना है कंपनी को तो कंपनी जो है वो सबसे पहले जो है प्रोस्पेक्टस इशू करती है और प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में जो है वो विवर्न जो है वो निगमित करती है और एक सब्सक्रिप्शन जो है वो उनसे लेती है तो इसके लिए जो है जैसे ही वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है तो वहाँ पे जो है अंशों के लिए जो है इन्वेस्टर आवेदन करते हैं और आवेदन में यदि वो जो इच्छुक शेयर होल्डर हैं जो इन्वेस्टर हैं वो उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और इसके बेसिस पे जो है अंशों का निर्गमन जो है वो किया जा सकता है अब यहां पे जो है इसमें बताया अब अंशों का आवंटन कैसे होगा अब जैसी जितने भी व्यक्तियों ने आवेदन किए हैं कंपनी में तो उन आवेदन के बेसिस पर कंपनी जो है उनको शेयर जो है वो आवंटन करती है जिसने संख्या उन्होंने लिखी है और उसके बेसिस पर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करके जो है उनके शेयर्स जो है वो आवंटित करती है अब यहाँ पे अंशता आवंटन हो सकता है और पूर्णता आवंटन मतलब तो कुछ पार्शियल आवंटन हो सकता है और तो पूर्णता आवंटन जो है वो उसमें किया जा सकता है इसके बाद है अंशों के निगमन की शर्तें जो है वो भी कंप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो उसमें जो है निगमन की शर्तें जो है वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि रोकड़ में अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में या रोकड़ में या कोषों के पंजीकरण में कोषों का निगमन कर सकती है अंशों पर सम पर निगमन जैसे अंकित मूल्य या नाम का मूल अंशों का प्रीमियम क्या होगा जैसे अंकित मूल अधिक और क्या छूट होगी उन पर शेयर पे तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन इशू कर सकते हैं अब निगमन के बाद में जैसे उनने अप्लाई किया अप्लाई करने के बाद में सारी कंडीशन ठीक हैं तो वहां पर जो है कंपनी एक शेयर प्रमाण पत्र जो है वो इश्यू करती है जिसे अपन शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं शेयर कैपिटल सर्टिफिकेट कि और उसको बोलते हैं या अलॉटमेंट सर्टिफिकेट भी उसको बोलते हैं तो इस तरह से कंपनी जो है एक अपनी सील और से एक दस्तावेज जो है वो इश्यू करती है जिसे शेयर सर्टिफिकेट जो है वो बोला जा सकता है और जिस पे कंपनी एक संख्या जो है वो देती है और जो डिपोजिटरी रिकॉर्ड में होते हैं अब अंशों की कटौती पर निगमन की कुछ कंडीशन बताई गई हैं जहाँ पर अंशों की कटौती पर निगमन किया जा सकता है या इशू किया जा जाती है या कटौती की जा सकती है कि कंपनी की साधन समा में अंशों की छूट पर निगम करने का प्रस्ताव पारित हो गया है तथा तो कंपनी विधानमंडल में अनुमति दे दी गई है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यदि उसको एक रेजोल्यूशंस पास किया है कि उसमें जो है वो कटौती की जाएगी और छूट की दर दस प्रतिशत या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए एंड तीसरा इस प्रकार का निगमन कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार देता है और चौथा छूट पर दिए जाने अंशों का निगमन कंपनी के विधान मंडल की अनुमति के प्राप्त दो महीने के अंदर हो जाना चाहिए तो ये कटौती भी कर सकता है इसके बाद जो है सरेंडर कर सकते हैं वो या हरण कर सकते हैं यदि वो चाहें तो जो है अंशधारी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं या कंपनी जो है उसको हरण कर सकती है मतलब ले सकती है यदि कोई ऐसे गलत तरीके से वो शेयर्स जो है उनने अलॉट करवाए हैं तो वहाँ पर जो है वो कंपनी उनके शेयर्स को ले सकती है अब अंशों का समर्पण भी कर सकते हैं कि जिन अंशधारियों ने वो शेयर खरीदे हैं तो वो अपने शेयर्स को जो है वो सरेंडर भी कर सकते हैं कंपनी को या याचना भी कर सकते हैं और उसके लिए जो जितने उन्होंने इन्वेस्ट करें तो वो कंपनी जो है उनको देगी जो मार्केट रेट होगा उसके अनुसार अब अगले व्याख्यान में जो संचालक हैं या डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका अर्थ क्या है संचालकों की योग्यता क्या है संचालकों की नियुक्ति क्या है संचालकों की वैधानिक स्थिति क्या है संचालकों के अधिकार क्या हैं और वैधानिक कर्तव्य क्या हैं उनके तो इसके बारे में अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. Today, we are going to read a section from Virginia Woolf's novel, Orlando. And the section that we are going to listen to today is perhaps one of the finest descriptions of the winter season in English literature. It is also a very fine piece of what we call fantasy writing. I have made a few changes to the original to adapt it for the purpose of reading. The Great Frost was, historians tell us, the most severe that has ever visited these islands. Birds froze in mid air and fell like stones to the ground. At Norwich, a young countrywoman started to cross the road in her usual robust health and was seen by the onlookers to turn visibly to powder and be blown in a puff of dust over the roofs. The mortality among sheep and cattle was enormous. Corpses froze and could not be drawn from the sheets. It was no Uncommon sight to come upon a whole herd of swine frozen immovable upon the road. The fields were full of shepherds, plowmen, teams of horses, and little birds carrying boys, all struck stark in the act of the moment. One with his hand to his nose, another with a bottle to his lips, a third with a stone raised to throw at the ravens, who sat upon the hedge within a yard of him as if they were stuffed birds. The severity of the frost was so extraordinary that a kind of petrification sometimes ensued. It was commonly supposed that the great increase of rocks in some parts of Derbyshire was due to no eruption for there was no eruptions rather it was supposed that they were due to the solidification of unfortunate wayfarers who had been turned literally to stones where they stood the church could give little help in the matter and though some landowners had these relics blessed the most part Preferred to use them either as landmarks, scratching posts for sheep, or when the form of the stone allowed, drinking troughs for cattle, which purpose they serve admirably for the most part to this day. But while the country people suffered the extremity of want, and the trade of the country was at a standstill, London enjoyed a carnival of utmost brilliance. The new king directed that the re river, which was frozen to a depth of 20 feet, should be swept, decorated, and given all the semblance of a park or pleasure ground. With arbors, mazes, alleys, drinking boots, all at his expense, of course. Frozen roses fell in showers when the queen and her ladies walked abroad. Coloured balloons hovered motionless in the air. Here and there burnt vast bonfires of cedar and oak wood, lavishly salted so that the flame were of green. Orange and purple fire. But however fiercely they burnt, the heat was not enough to melt the ice, which, though of singular transparency, was yet of the hardness of steel. So clear, indeed, was the ice that there could be seen, congealed at a depth of several feet, here a porpoise. There, a flounder. Shoals of eels lay motionless in a trance. But whether their state was one of death or merely of suspended animation, which uh, the warmth would revive, puzzled the philosophers. In short, nothing could exceed the brilliancy and gaiety of the scene by day. But it was at night. That the carnival was at its merriest. The nights were of perfect stillness. The moon and stars blazed with the hard fixity of diamonds, and to the fine music of flute and trumpet, the courtiers danced. See you in the next episode of Literary Snippet.